नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। डीडी फिडिस के दर्शक 77 ईऑक्शन के ऑफिशियल रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कल के दिन प्रसार भारती की तरफ से 77 ईऑक्शन किया गया और डीडी फिडिस के दर्शकों का लगातार ये सवाल रहा है कि आखिर में 77 ईऑक्शन के रिजल्ट का क्या हुआ, किस चैनल ने स्लॉट जीता है। बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जो चाहते हैं कि सोनी पल जीत जाए, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि स्टार उत्सव जीत जाए, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि जी अनमोल जीत जाए, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि कलर रिश्ते जीत जाए, और वहीं पर बहुत से ऐसे दर्शक भी हैं जो चाहते थे कि ऊँची उड़ान चैनल जीत जाए। सभी दर्शक अपने पसंद के चैनल को डीडी फिडिस पर देखना चाहते हैं और इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि 77 ईऑक्शन में उनका मनपसंद चैनल जीत जाए और डीडी फिडिस पर 1 जून को लॉन्च हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 77 ईऑक्शन के ऑफिशियल रिजल्ट की, जिसका आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक प्रसार भारती की तरफ से 77 ईऑक्शन के ऑफिशियल रिजल्ट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है और ना ही किसी सोर्सेज से कोई भी रिजल्ट मिल पाया है। और दोस्तों, सोर्सेज की तरफ से ये बताया जा रहा है कि स्लॉट की कीमत ज्यादा होने के कारण कोई भी चैनल पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से 77 ईऑक्शन फेल हो गया है। बाकी दोस्तों, आज शाम तक का वेट करते हैं, हो सकता है शाम तक प्रसार भारती की तरफ से ऑफिशियल रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि 77 ईऑक्शन में कौन से चैनल ने स्लॉट जीता है। इसलिए दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारी ईऑक्शन की वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।